आज खाने में क्या बन रहा है दादी? आटे का पीठा बन रहा है, चने आटे की का दाल पीठा। चने की दाल पीस के तो भर के बनेगा। मैंने तो चावल के आटे का सुना है, दाल ये सब थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? एक बार इसे खा करके देखना, टेस्ट करके देखना कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड, तड़का ट्रैवल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ ट्रेडिशनल डिश लाई हूँ। आज हमारे घर पे बच्चों की दादी आई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ट्रेडिशनली ट्राई किया जाए। और मैंने गेहूं का ये पीठा बनवाया, उनसे ही सीख सीख के मैंने बनाया। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। और ट्रेडिशनल चीज़ें हैं तो ये कम ही बनती हैं। तो आइए अब इसके प्रोसेस की ओर हम चलते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या लिया है, तो इसके लिए मैंने 2 ग्लास चने का दाल लिया है, जिसको मैंने पानी में 4-5 घंटे भिगो दिया था। और ये देखिए, ये बिल्कुल भीग के फूल चुके हैं। और इसको मैं दरदरा पीसूंगी। इसके लिए मैंने 5-7 हरी मिर्ची ले ली है और 10-12 लहसुन की कलियां ली हुई हैं। इन सब को मैं पीस दूंगी इसके साथ डाल के, थोड़ा सा दरदरा ही पीसूंगी। और इसका एक मुझे एक पेस्ट तैयार करना है। दाल को मैंने अब पीस लिया है। पीसने के बाद इसमें हम नमक ऐड कर देंगे और हींग भी ऐड कर देंगे। थोड़ा दरदरा पीसना है इसे। और इधर मैंने चावल का, ये गेहूं का आटा भी मैं लगा रही हूँ, जिसमें थोड़ा सा मैंने चावल का आटा ऐड किया है और हल्का नमक। और इसका एक कड़ा डो हमें तैयार करना है, ज़्यादा मुलायम भी नहीं और ना ही ज़्यादा कड़ा, ठीक ठाक। और ये हमारा डो बिल्कुल रेडी है। और ये देखिए, हमारे पीठे बन चुके हैं, जिसके लिए मैंने छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई है, थोड़ी सी मोटी। ये देखो, मैंने ऐसा बेला है आंटी से पूछ पूछ के। और ये फिलिंग हो रही है, देखिए ये कैसे फिलिंग हो रही है, बहुत ही बारीकी से अच्छे शेप दिया जा रहा है इसको, गुजिया की तरह। और ये देखो, पूड़ी के ऊपर मसाले को फैला दिया गया, चने का जो पेस्ट था, चने के दाल की जो पेस्ट थी। और उसके किनारे को ऐसे पकड़ के धीरे धीरे दबा के पूरा इसका मुंह को हमें सील कर देना है। और पानी भी हमें इसमें नहीं लगाना, ये ऐसे ही अच्छा से सील हो जाता है। और ये देखो, ये बिल्कुल ये सील हो गई। और इसे अब हम इसे थोड़ा सा शेप देंगे, बिल्कुल ये गुजिया की तरह हमारी शेप बनी है। और ये हमारा पीठा रेडी है। और ऐसे ही करके हम सारे पीठे तैयार कर लेंगे। ये देखो, सारे पीठे हमारे तैयार हैं। और इधर मैंने पानी चढ़ा रखा था उबलने के लिए, उबलते पानी में ही इसे हमें डालना है। और ये सारे तैयार पीठे हम एक एक करके इसमें डाल रहे हैं, ये सारे एक एक करके पीठे मैंने इसमें डाल दिया। और बीच बीच में से चलाते भी रहना है डालने के बाद, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा। और पानी में थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था। और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। चावल का पीठा मैंने पहले बताया था आपको, उसकी रेसिपी मैंने डाल रखी है। और ये देखिए, 5-7 मिनट हो गए, ये ऐसा पक के तैयार हुआ है। थोड़ी देर हमें इसे और पकाना है, 5 मिनट और इसे हम पकाएंगे। थोड़ा सा ये लाल टाइप का दिखने लगे तो समझो कि ये पक गया है। और ये देखिए, ये पक के बिल्कुल तैयार है हमारे पीठे। और दोस्तों, यूपी में इसे हम पकोसे भी कहते हैं, और ये बड़े ही प्यार से वहाँ भी खाया जाता है, वहाँ की भी ये ट्रेडिशनल डिश है। अब ये बिल्कुल पक चुकी है, इसे हम स्ट्रेनर में छान लेंगे। एक एक करके सब मैं इसमें डाल रही हूँ, और सारा पानी इसका हम निकाल देंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे। फिर ये सारा पानी मैंने इसमें डाल दिया, और ये पानी ये छन के निकल गए बाहर। और ये पीठा हमारा बिल्कुल तैयार है। इसे आप मनचाहे शेप में काटें और ज़रूर ट्राई करें। और बच्चों को भी इस ट्रेडिशनल डिश से रूबरू कराएं। बच्चे तो चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर खाते ही हैं, लेकिन ऐसी डिशेज भी बना के उन्हें खिलाएं और ट्रेडिशन से जुड़े रहें। ये देखें कितना अच्छा बना है। और इसको हम ना फ्राई करके भी खा सकते हैं, ये भी एक अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने राई जीरा से तड़का लगा लिया इसमें, और प्याज, हरी अदरक, हरी मिर्च, अदरक, कड़ी पत्ता, इन सबों से मैंने इसको छोंक दिया, थोड़ा सा फ्राई कर दिया मैंने। रेड चिली पाउडर, नमक, हींग डाल के फ्राई कर लूँगी। और इसके पतले पतले पीसेस मैंने काट लिए, और उसको भी मैं इसमें भून लूँगी। थोड़ा सा मैंने टोमेटो सॉस डाल दिया। और ये देखिए, एक अच्छा सा फ्लेवर आ गया इसमें। अब इसमें हम ये कटे हुए पीसेस डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना टेम्पटिंग दिख रहा है, और सही में ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, हमारे फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, ये कैसा बना है ट्राई करके बताना आप।
आपकी बहू ने कैसा बनाया है? अच्छी बनी है, नमक टेस्टी बनी है। अपनी तारीफ मैं खुद ही करवा रही हूँ आपसे बनवा के।